नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं होम मेन्यू को। होम मेन्यू में जो सबसे पहला ऑप्शन है पेस्ट, तो पेस्ट के लिए राइटिंग को या तो कट करना या कॉपी करना ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट कर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ठीक है, अभी मैं इसको सेलेक्ट करके ठीक है और कट करता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आकर मैं पेस्ट पर क्लिक करके ये हमारे पास यहाँ पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट कॉपी और यहाँ पर आकर पेस्ट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है ये फॉन्ट्स, ये साइज है। ठीक है, यहाँ से आप साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है फॉन्ट्स है तो ये आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है ये बोल्ड, इटालिक और ये है अंडरलाइन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है फॉन्ट कलर और यहाँ पर जो है ये हाइलाइटर है। अच्छा, यहाँ इससे भी आप राइटिंग साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी ये जो है अलाइनमेंट है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, कि ये सेंटर ये ऊपर हो जाएगा इससे। ठीक है, ये दरमियान में और ये नीचे, और इससे जो है एलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड को हो जाएगा, ये इसके सेंटर में हो जाएगा और इससे जो है राइट साइड को हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो है इंडेंट है, तो इससे इंडेंट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट डायरेक्शन, आप यहाँ से भी टेक्स्ट डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद है टेक्स्ट रेप टेक्स्ट। ठीक है, तो अभी मैं इसको जो है दरमियान में करके ठीक इसको सीधा करता हूँ। ठीक है, अभी ये देखिए ये तीन सेल्स में है हमारे पास, तो हम जब रेप टेक्स करते हैं, सॉरी यहाँ पर आकर और रैप टैक्स करके, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स के नीचे एकेडमी आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरे सेल जो है, ये दूसरा सेल जो है, ये इससे एकेडमी स्टूडेंट्स के नीचे आ जाएगा। ठीक है, मर्ज सेल्स जो है, अभी ये देखो ये सेल्स हैं, तो अभी इसको मर्ज सेल करते हैं, तो ये एक सेल बन गया। ठीक है, अच्छा मार्च क्रॉस
अब यहाँ आकर मार्च सेल्स, तो ये सेल्स जो है ये मार्च हो गए, ठीक है। अभी अनमार्च सेल्स, अनमार्च सेल्स, ठीक है, और यहाँ पर अनमार्च सेल्स करें तो ये भी अनमार्च हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ। अब यहाँ जनरल में आकर अगर ये नंबर हो तो ये नंबर का स्टाइल जो है यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर करेंसी हो तो ये करेंसी के स्टाइल में हो जाएगा। अगर अकाउंटिंग हो तो इस तरह ये हो जाएगा। शॉर्ट डेट भी कर सकते हैं आप, लॉन्ग डेट, टाइम। अच्छा ये जरा दोबारा लिखते हैं, ठीक है, लॉन्ग डेट, अच्छा यहाँ पर दूसरा लिखकर परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा लिखकर ये जो है साइंटिफिक आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद है यहाँ से आप करेंसी जो है करेंसी सिंबल जो है अपनी मर्जी से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर क्या अब मैं यूरो का इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ से आप परसेंटेज और कामा भी इंसर्ट कर सकते हैं, और इससे जो है ये डेसिमल जो है ये ज़्यादा और कम हो गए, ठीक है। इस तरह 3, 4 और इस तरह 2 मुकम्मल ख़त्म हो गए, या फिर से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास डेटा बार, ठीक है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ये आइकन वगैरह जो है ये भी इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेट एज टेबल, तो यहाँ से भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ये रेंज मांग रहा है, तो इसको हम ये रेंज देता है कि इतना टेबल चाहिए हमें, तो ओके करके हमारे पास टेबल जो है ये इंसर्ट हो जाएगा। अभी यहाँ से इसके डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है सेल स्टाइल्स, तो यहाँ से आप सेल स्टाइल जो है चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटो सम, तो ऑटो सम में है सम, एवरेज, करंट काउंट नंबर, मैक्स, मैक्सिमम, मिनिमम, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ डेटा डालता हूँ,
अब मैं इसको ऑटो सम पर क्लिक करके ये प्लस कर दूँ, ठीक है, तो ये ऑटो सम हो गया, ठीक है। अच्छा फॉर्मेट, ठीक है, ये प्लस हो गए। इसके बाद हमारे पास है एवरेज, तो एवरेज से भी हम इसका एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सॉर्ट एंड फिल्टर से आप जिस तरह हमने वर्ड में किया था वो भी आप कर सकते हैं, और फाइंड भी कर सकते हैं, गो टू एंड रिप्लेस, ये बिल्कुल सेम है वर्ड की तरह, तो आप यहाँ से सेम वही चीज़ है आप कर सकते हैं। इस तरह के मैं अभी ये आर्डर जो है ये सॉर्ट ए टू जेड करता हूँ, तो सॉरी पहले जो है ए, हाँ ए टू जेड करता हूँ, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके सॉर्ट ए टू जेड, ठीक है, तो ये 0 1 3 4 4 6 7 9 इस तरह हो गए। अब मैं जो है सॉर्ट जेड टू ए करता हूँ, ठीक है, तो 9 से स्टार्ट हो गया। इस तरह आप फाइंड भी कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को आप फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह मैं स्टूडेंट को फाइंड करता हूँ, STUDENTS, स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये है हमारे पास स्टूडेंट, फाइंड नेक्स्ट करिए तो ये हमारे पास स्टूडेंट, ठीक है। अब इस तरह रिप्लेस भी आप कर सकते हैं, स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट्स की जगह स्टूडेंट्स लिखते, ठीक है, रिप्लेस और रिप्लेस, ठीक है, ये स्टूडेंट्स की जगह स्टूडेंट हो गया। अच्छा तो इसमें बहुत सी ऑप्शंस हैं, नेक्स्ट मेन्यू में ये आएंगे तो वहाँ पर फिर एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। For more updates, please subscribe Students Academy.